जय माता दी। दोस्तों हम आ चुके हैं दुर्गा पंडाल दिखाने और अभी है भोर के टाइम जबकि 4:30 बज रहे हैं और देख सकते हैं कि लाइट जम जम कर रहा है। तो चलिए पंडाल की तरफ चलते हैं सीधे और देख सकते हैं कि ये है पचकोसी का पंडाल और यहाँ पर दुर्गा माता बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पर थोड़ा सा दुर्गा माता के पास लाइटिंग थोड़ा कम है जिसकी वजह से मूर्ति काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। और ये देख सकते हैं कि ये है पुराने पुल का पंडाल और यहाँ का मूर्ति देख सकते हैं कि काफ़ी दूर पे है। यहाँ पर चौकी लगाया गया है तो क्लियर नहीं दिख रहा है। और ये देख सकते हैं कि ये है हम भुजूबिर की साइड देख रहे थे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये सनातन धर्म इंटर कॉलेज के अंदर का पंडाल है। चलिए ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है सनातन धर्म इंटर कॉलेज और चलिए इसके अंदर चलते हैं यहाँ का पंडाल देखते हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ का जो पंडाल है इतने कम समय में काफ़ी खूबसूरत यहाँ की साज सज्जा है और ये पंडाल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और माँ दुर्गा का प्रतिमा भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर दर्शाया गया है आप देख सकते हैं। तो ये है लक्सा का पंडाल आप देख सकते हैं और ये एक मंदिर था वहाँ पर कहते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये है पंडाल भुजूबिर में जो कि लगाएगा और यहाँ पर सूरज वहाँ का प्रसाद मिल रहा था और चना और बतासा भी मिल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी प्रतिमा बैठाई गई है और काफ़ी क्लियर दिखाई भी दे रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं शिवपुर और देख सकते हैं यहाँ का पंडाल काफ़ी खूबसूरत है और जो दुर्गा माता का ऊपर पंडाल पर चित्र बना है उनका जो मुकुट है ना वो जो 10 रुपये वाला पानी का बॉटल होता है ना उसका मुकुट बना है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी प्यार है। देख सकते हैं ये कि ये है गिरजाघर का जो कि यहाँ पर केस हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ की जो प्रतिमा है वहाँ पर उसे पहले से हटाकर इसे दूसरा रूप दिया गया है और इनका पोशाक जो कि चेंज कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वही बात को लेकर सभी लोग उत्साहित थे कि गिरजाघर का मूर्ति काफ़ी अट्रैक्टिव है चलेंगे देखने। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको जो कि बहुत ही उदासी छाई हुई है देख सकते हैं।
देख सकते हैं कि अभी भी गणेश भगवान पहले वाला पैजामा पहने हैं पोशाक, और यहाँ का मूर्ति देख सकते हैं।